हेलो एवरीवन, बायवे चैनल में आपका स्वागत है। तो इस कार्बोहाइड्रेट की वीडियो सीरीज में आज हम बात करेंगे ओलिगोसैकेराइड्स के बारे में। तो चलिए देखते हैं क्या है ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड होते हैं छोटी श्रृंखला जो मोनोसैकेराइड इकाइयां यूनिट से बनी होती हैं, जो एक दूसरे से बंधे होते हैं बहुत ही खास ग्लाइकोसिडिक बंध से। ओलिगोसैकेराइड में डाईसैकेराइड, ट्राईसैकेराइड और टेट्रासैकेराइड ये प्रकार होते हैं, जिसमें से इस वीडियो में हम बात करेंगे डाईसैकेराइड्स के बारे में। डाईसैकेराइड्स बने होते हैं दो मोनोसैकेराइड इकाइयां जो एक दूसरे से बंधे होते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से, जिसमें से एक का उदाहरण हम आज लेंगे जो है माल्टोज। माल्टोज में दोनों मोनोसैकेराइड इकाइयां ग्लूकोज से बनी होती हैं जो एक दूसरे से बंधे होते हैं ग्लाइकोसिडिक बंध से। आइए देखते हैं माल्टोज कैसे बनता है। दो मोनोसैकेराइड यूनिट्स यानी इकाइयां जैसे कि अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज इसमें शामिल होते हैं, जिसमें से हाइड्रोक्सिल समूह अल्फा डी ग्लूकोज का और हाइड्रोजन बीटा डी ग्लूकोज का एक दूसरे के साथ आते हैं, जिसके वजह से जल या वाटर का रेणु निष्कासित हो जाता है और इस वजह से इन दोनों में सहसंयोजी बंध निर्माण हो जाता है और इस वजह से हमें प्राप्त होता है माल्टोज जो बना होता है ग्लूकोज और ग्लूकोज के बीच में ग्लाइकोसिडिक बंध से। क्या आप किसी खाने की चीज़ का नाम बता सकते हैं जिसमें हमें माल्टोज मिल सकता है? हमें माल्टोज मिलता है उबले हुए आलू से। उबले हुए आलू में जो बाहरी आवरण रहता है वो बना होता है माल्टोज से। आलू बना होता है स्टार्च पॉलीसैकेराइड से, जिसको उबालने की वजह से वो अपघटित होता है या हाइड्रोलाइज होता है और जिससे हमें मिलता है माल्टोज। अगले डाईसैकेराइड्स के बारे में बात करते हैं जो हमें मिलता है या जो पाया जाता है दूध में। दूध की जो अपनी मिठास होती है वो उसमें पाए जाने वाली शर्करा से होती है, जो कि है डाईसैकेराइड, जिसे हम जानते हैं लैक्टोज के नाम से। लैक्टोज दो मोनोसैकेराइड इकाइयां या यूनिट से बना होता है। पहला है गैलेक्टोज और दूसरा है ग्लूकोज। ये दोनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं ग्लाइकोसिडिक बंध से, जो जाना जाता है बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बंध के नाम से। अगला डाईसैकेराइड का उदाहरण है जो हमें मिलता है चीनी से, जो बनती है गन्ने के रस से, और उसमें जो डाईसैकेराइड होता है वो होता है सुक्रोज। सुक्रोज दो मोनोसैकेराइड इकाइयां यूनिट से बना होता है, जिसमें से पहला है ग्लूकोज और दूसरा है फ्रक्टोज। ये दोनों एक दूसरे से ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से बंधे होते हैं। ओलिगोसैकेराइड में आगे हम अगले डाईसैकेराइड के उदाहरण को देखते हैं जो पाया जाता है पेड़ पौधों में और जिसका नाम है सेलोबायोज। सेलोबायोज में दो मोनोसैकेराइड की इकाइयां या यूनिट है। ये दोनों भी यूनिट बीटा डी ग्लूकोज के बने होते हैं और इन दोनों में जो ग्लाइकोसिडिक बंध निर्माण होता है उसे हम जानते हैं बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बंध के नाम से। तो इस वीडियो में हमने बात की ओलिगोसैकेराइड के बारे में। हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे पॉलीसैकेराइड के बारे में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिए। तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय। सब्सक्राइब टू माय YouTube चैनल द बायोवे ऑन YouTube एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल नेवर मिस अनदर अपडेट फ्रॉम माय चैनल। थैंक यू।